2 days later, it was a nice and sunny. 2 दिन बाद आज बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई सुबह थी. I was playing outside. मैं बाहर खेल रही थी. Suddenly, अचानक I heard a voice. मैंने एक आवाज़ सुनी. Calling out my name. जो कि मेरा नाम पुकार रही थी. I look around. मैंने अपने इर्द गिर्द देखा. Around का मतलब इर्द गिर्द. But didn't see anyone. लेकिन किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं देखा. The voice called out my name again. और उसी आवाज़ ने दोबारा मेरा नाम पुकारा. This time I realized. इस बार मुझे एहसास हुआ. Realized का मतलब क्या होता है? एहसास होना. It was coming from the oak tree in my backyard. ये आवाज़ आ रही थी oak tree के पास से, जो कि मौजूद है घर के पीछे वाले हिस्से में. I saw the little hummingbird. मैंने देखा छोटे से शक्करखोरे को. On the tree. उस दरख्त के ऊपर. She was sitting in a red, orange and blue nest. वो बैठी हुई था, वो शक्करखोरा बैठा हुआ था लाल, ऑरेंज और नीले घोंसले के ऊपर. अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हुआ? 2 दिन बाद वो जो लड़की थी वो खेल रही थी बाहर, ठीक है, अपने घर के बाहर खेल रही थी. अचानक से उसको किसी ने पुकारा. उसने इधर उधर देखा लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई दिया. फिर दोबारा उसको किसी ने आवाज़ लगाई, फिर दोबारा उसे कोई नहीं दिखा. फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ जो ओक ट्री है, उसके जो घर के पीछे जो एक दरख्त है ओक का, ओक को उर्दू में क्या कहते हैं? बलूत का दरख्त, ठीक है, जो दरख्त है उसके ऊपर, उस वहाँ से उसको आवाज़ आ रही है. फिर उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर हमिंग बर्ड बैठी हुई है अपने, और कहाँ पर बैठी हुई है वो? एक घोंसले के ऊपर वो बैठी हुई है. ठीक. लुक वॉट यू हेल्प मी बिल्ड. देखो तुमने मुझे क्या बनाने में मदद की. सेड द लिटिल हमिंग बर्ड. छोटे से शक्करखोरे ने कहा. व्हाट डू यू मीन? आई आस्क. तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा. वेल, देयर वर नॉट एनी ट्विग और स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म. आई नीडेड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट वेयर आई कुड ले माई एग्स. अब देखो हमिंग बर्ड क्या कह रही है. हमिंग बर्ड ने क्या कहा लड़की से? देखो तुमने मुझे किस तरह मदद की ये बनाने में. अब लड़की कहती है कि मतलब तुम्हारा मतलब क्या है. तो हमिंग बर्ड क्या कहती है? हमिंग बर्ड कहती है कि जब सारी की सारी टहनियाँ और तिनके उड़ गए थे और कुछ भी नहीं बचा था उस तूफ़ान की वजह से, तो मेरे पास अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ भी नहीं मौजूद था, ठीक है, जहाँ पर मैं अपने अंडे दे सकती. हमने पीछे पढ़ा था ना कि उसने क्या कहा था, लड़की ने पूछा कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो क्या कहा हमिंग बर्ड ने? क्या कहा था? हाँ, मेरे पास खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सारी की सारी टहनियाँ और तिनके उड़ गए थे, ठीक है. और ये उसने बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में कहा था, बहुत ही ज़्यादा अफसरदा लहजे में कहा था. अब उसने क्यों कहा था, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है उसने इस टहनी और तिनकों का जिक्र क्यों किया था. इसलिए किया था क्योंकि उसने उस तिनकों से, उन टहनियों से अपना घोंसला बनाना था, अब जो कि तूफ़ान की वजह से सब के सब उड़ गए थे, और वो बहुत परेशान थी कि अब वो किस तरह अपना घोंसला बनाए, ठीक है. अब वो आगे क्या कहती है? अब वो कहती है, हमिंग बर्ड आगे कहती है, योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट. तुम्हारी बबल गम की वजह से, तुम्हारी बबल गम की मदद की वजह से मुझे ये घोंसला बनाने में हेल्प मिली, मदद मिली, यानी कि तुम्हारी बबल गम की वजह से मैंने ये घोंसला बनाया, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. सैड द लिटिल हमिंग बर्ड. लिटिल छोटे से हमिंग बर्ड ने कहा. अच्छा.